डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज जो वीडियो है हमारे पास, हो ये क्या आ गया भाई, लाहौर वर्सेस न्यू दिल्ली फुल कंपैरिजन वीडियो है 2022 का, मतलब 2023 अभी तो खत्म हो रहा है, ये 2022 में कंपेयर किया गया था इसको, और ये इंडियन चैनल है जिनका वीडियो है। तो सबसे पहले हम रिव्यूज क्यों ना ले रहे हैं वीडियो देखने से पहले, दिल्ली या फिर लाहौर? लाहौर, दिल्ली, दिल्ली आपका लाहौर? नहीं, मेरा दिल्ली है। दिल्ली पहले लाहौर का है? नहीं नहीं, मैंने दिल्ली का, नाल ही मुकर गया, मुझे लाहौर निकलिया सी। अच्छा, इधर से ले लेते हैं रिव्यू, दिल्ली या फिर लाहौर? दिल्ली। यार मैं सारे दिल्ली से पाकिस्तान छोड़ के सारे, आई एम सरप्राइज्ड टू, हैं कैसे लाहौर देखा है वैसे? तुमने भी देखा है? तुमने लाहौर देखा? लाहौर देखा हम तो इकट्ठे किए थे उसके बारे में कुछ पता है, तो डेफिनेटली जो मैंने देखा हुआ जिसको विजिट कर रखा है एक हिस्टोरिकल सिटी है, दिखाने लगी है, तो डेफिनेटली आई विल गो विद लाहौर। कल ही सरप्राइज हो गए थे मुंबई और कराची, मुंबई और कराची। हाँ मेरे ख्याल में हाँ, वो तो मुंबई, तो भाई देखा है तो पता लगा ना। लेकिन चलें अभी हम पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि मुंबई या लाहौर, दिल्ली या लाहौर। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो करे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बाद। अच्छा, इधर वो महाराजा रंजीत सिंह का जो एक टाइम था, एक दौर था, उसके बारे में बात करना भूल गए हैं शायद, कि वो भी लाहौर मतलब से ऑपरेट होता था, जो पंजाब था यूनाइटेड सभी तब सारा, तो राजधानी जो थी लाहौर थी। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाहौर में देखने के काबिल है और देखने वाली है। चले अब दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। अरे में तो नई, क्योंकि लाहौर तो वो सिटी था जिसके बारे में हम सभी जानते हैं इन चीज़ों का, जो उन्होंने बताया है इससे ज्यादा हमें पता है, लेकिन अब जो है दिल्ली के बारे में जानना इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली कैसा है। दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरेटरी भी है, जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है।
दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहां पर चौड़ी सड़कें और यहां की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना। दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो सिस्टम भाई 300 कितनी बताई है? 390 किलोमीटर 390 किलोमीटर पर फैला हुआ है इनका मेट्रो। मेट्रो इतनी लंबी है भाई 390। इट मीन्स के अगर हम देखें तो लाहौर से अगर मेट्रो चले तो राउंड अबाउट बहावलपुर तक जो है वो आ सकती है हमारी जो मतलब स्टेट है वहाँ, मतलब कह लेंगे हमारा जो आप डिवीजन है डिवीजन तक, तो मतलब इंप्रेसिव है यार। तो इतना बड़ा दिल्ली, अच्छा इन्होंने टोटल जो लेंथ है ना वो मेजर की होगी एक कॉर्नर, अब जैसे कि कैपिटल सिटी है दिल्ली तो एक कॉर्नर हर कॉर्नर को टच करती होगी, हर एरिया में जो मेट्रो है उसने जोड़ रखा होगा दिल्ली को। बढ़िया यार माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। अब ये देखिए कि लाहौर की 65% लिटरेसी रेट और दिल्ली की जो है वो 86% है। तो मतलब एजुकेशन की अगर हम बात करें वो एजुकेशन में वैसे भी बहुत एडवांस है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहां पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा GDP के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा GDP PPP लगभग 370 बिलियन US डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकोनॉमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक। अब हाँ ये दिल्ली या लाहौर? दिल्ली मैंने पहले कहा था। दिल्ली मैंने तो बोला दिल्ली। अब आप बताएं आपका कहाँ आप बताएं <क्या? laughs> अब बात आप पे है यार एक चीज है कि मतलब दिल्ली जो है एज कंपेयर टू लाहौर वेरी एडवांस और वहाँ के जो मेट्रो सिस्टम है स्पेशली दिल्ली का उसने बहुत शौक किया और ये काफी पहले से ऑपरेशनल है इनकी जो मेट्रो है और अभी लाहौर वाली तो अभी बनी है बिल्कुल। और लिटरेसी रेट तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो सभी वहाँ पे बेहतर है। इंडिया में जो है एजुकेशन का सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा उसके अलावा GDP वेरी शॉकिंग थी कि अगर मैं देखूं तो हमारे पास टोटल पाकिस्तान की जो GDP है उसके तकरीबन इक्वल होगी या उससे थोड़ी कम ऊपर होगी, यहाँ पर चली जाती है खाली दिल्ली की। तो मतलब दिल्ली पूरा एक मुल्क मतलब अगर देखें तो और वीडियो के अंदर मैं स्पेशली मैं लाहौर से इतना इम्प्रेस की हूँ कि लाहौर का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। अगर आप लाहौर में जाते हैं तो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलती हैं, तो सेम एज इट इज आपको दिल्ली में भी हिस्टोरिकल प्लेसेस मिलती हैं। उसके अलावा उनका जो रोड नेटवर्क है वो रोड नेटवर्क उनका दिल्ली का बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दिल्ली जो है वो मतलब एडवांस है, वो है, जासल है। ये नहीं कि हम लाहौर से प्यार नहीं करते, लाहौर से भी प्यार करते हैं। लाहौर तो भाई जी जान है हमारी, लाहौर तो जान है, लेकिन हम अगर स्टैटिक्स के ऊपर आए, हम डेटा के ऊपर आए, फिर दिल्ली आ गई। दिल्ली
बिजनेस में भी और अगर हम देखें तो अर्निंग में भी और सब कुछ एडवांस अब हमने देख नहीं रखा, वीडियो से आप आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज है कि कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल है ना, तो भाई कैपिटल होगी तो डेफिनेटली एक उसका अपना रोब होता है, उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप किसी और दुनिया में आ गए, हम जब इस्लामाबाद जाते हैं तो फील ऐसे होता है कि यार हम किसी यूरोप कंट्री में तो नहीं आ गए, तो सेम एज इट इज वो भी एक। और आपका दूसरा बड़ा कैपिटल सिटी जो दुनिया में ना, आप इस्लामाबाद दूसरे नंबर पे आता है खूबसूरत सिटीज में, लेकिन ये है कि दिल्ली जो है बढ़िया सिटी है, बहुत ही जबरदस्त। बाकी ये था गाइस आज का वीडियो, कौन कौन हमें कहां से देख रहा है कमेंट बिलो, और मेरा वोट चेंज होके जाता है दिल्ली के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।